कॉस्ट का इंट्रोडक्शन हम करेंगे, और कॉस्ट की इंट्रोडक्शन के बाद हम कॉस्ट शीट स्टडी करेंगे और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना बेटा? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है? चलिए, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, तीन पॉइंट्स आता है। एक तो होता है कॉस्टिंग, कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तीनों में डिफरेंसेस जानेंगे, फिर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट स्टडी करेंगे, ठीक है ना बेटा? चलिए, एक होता है यहां पे कॉस्ट, और दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, और तीसरे आपके होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट किसे कहते हैं, कॉस्ट, कॉस्ट किसे कहते हैं। देखिएगा, हम बुक परचेज करते हैं, बुक के लिए पैसा पेमेंट करते हैं, हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उसके लिए पैसा पेमेंट करते हैं, हम आपको हेयर कट कराते हैं सैलून में जाके उसके लिए हम पेमेंट करते हैं, हेयर कट कराने के लिए जो पेमेंट करते हैं, हम सोफा सेट खरीदते हैं उसके लिए पेमेंट करते हैं, हम ट्यूशन फीस लेते हैं उसके लिए हम कुछ पैसा पेमेंट करते हैं, ये सारे को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। दीज ऑल आर सेड टू बी कॉस्ट। इसमें मनी विच इज पेड फॉर एक्वायरिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज इज सेड टू बी कॉस्ट, इज सेड टू बी कॉस्ट, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, हम अगर बुक पेमेंट करते हैं, परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ बुक, कॉस्ट ऑफ बुक, बुक की कॉस्ट ₹500 है, तो ये हमारे लिए कॉस्ट हो गया। कॉस्ट फॉर क्लास दे ₹2000 पर मंथ, ये आपकी क्लासेस लेने के लिए कॉस्ट हो गई। कॉस्ट फॉर सोफा सेट, कॉस्ट ऑफ सोफा ₹8000, इसके लिए कॉस्ट हो गई। मैंने जो आप मोनेटरी पेमेंट करते हैं आपको किसी गुड्स को लेने के लिए या कुछ सर्विसेज के लिए, उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट कहा जाता है। अब आ जाता है सेकेंड में कॉस्टिंग, यहां पे कॉस्टिंग हो गया, कॉस्टिंग। तो जैसे कॉस्ट ऑफ बुक मैंने कहा, कॉस्ट ऑफ बुक मैंने कहा ₹500 है, तो भाई इसको आपने एसर्टेनमेंट तो किया होगा, इसको डिटरमाइन तो किया होगा कैसे ₹500 है। इस कॉस्ट को 500 आपने बोला, कैसे बोला, कैसे, क्या रीजन था? तो डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट, दैट इज योर एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज सेट टू बी कॉस्टिंग, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज सेड टू बी कॉस्टिंग। हमारे पास एक हो जाता है कॉस्ट, दूसरा हो जाता है कॉस्टिंग, हमारे पास एक हो जाता है कॉस्ट, दूसरा क्या हो जाता है बेटा, कॉस्टिंग हो जाता है। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज सेड टू बी कॉस्टिंग, असर्टेनमेंट कॉस्ट इज सेड टू बी कॉस्टिंग, ठीक है? जो हम कॉस्ट डिटरमाइन करने की जो तरीका होता है, कॉस्ट को हम फाइंड आउट करने की जो तरीका होता है, उसको क्या कहा जाता है, कॉस्टिंग कहा जाता है, ठीक है ना बेटा? अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहा जाता है? मान लीजिए हमने कॉस्ट ऑफ बुक कितना पाया, कॉस्ट ऑफ बुक मैंने निकाला ₹500, ये जो कॉस्ट ऑफ बुक ₹500 आया,
इसको हमने डिटरमाइन किया उससे कहते हैं कॉस्टिंग। लेकिन रिस्क को रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंट इन गुड मैनर सो दैट इट इज इजिली आइडेंटिफाइड, इट इज इजिली आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टेक्निक है, एक कला है, जो कि बहुत अच्छे से उस कॉस्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ताकि लोग को इजिली आइडेंटिफाइड हो जाए, इजिली हम कैलकुलेट कर सके, इजिली फाइंड आउट कर सके। दैट इज सेड टू बी द कॉस्ट अकाउंटिंग। इसको कॉस्ट इतने हो गया, प्रॉफिट सेल इतना में किया गया, प्रॉफिट इतना हो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। क्लियर है ना बेटा? अब मैं आपको आगे की ओर बढ़ता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग उसे कहा जाता है। अब आता है हमारे पास दूसरा जो फंक्शन होता है, वो होता है लिमिटेड एलिमेंट, वो होता है आपको यहाँ पे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। दूसरा होता है हमारे पास एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। हमारे पास तीन टाइप की कॉस्ट होता है। वो होता है एक मटेरियल के फॉर्म में, एक होता है एक लेबर के फॉर्म में, एक होता है ओवरहेड के फॉर्म में। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एक हमारे पास मटेरियल, दूसरा हमारे पास क्या आ गया लेबर, तीसरा क्या हो गया एक्सपेंसेस। ये तीन फॉर्म में होता है। अब आपको क्या होता है, मटेरियल में भी आपके दो टाइप का मटेरियल होता है। एक तो डायरेक्ट मटेरियल होता है, एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर में भी दो टाइप का होता है, एक तो डायरेक्ट लेबर होता है, एक इनडायरेक्ट लेबर होता है। एक्सपेंसेस भी आपका दो टाइप का होता है, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अब मटेरियल जो हुआ, लेबर जो हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हुआ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट कहा जाता है, इसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको क्या कहा जाता है, ओवरहेड कहा जाता है। ओवर हेड कहा जाता है, इसको हम ओवरहेड कहते हैं। अब हम इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, मटेरियल किसे कहते हैं, लेबर किसे कहते हैं, एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल किसे कहेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल किसे कहेंगे, डायरेक्ट लेबर किसे कहेंगे, इनडायरेक्ट लेबर किसे कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा? अब आपको आता है मटेरियल। देखिए यहाँ मटेरियल किसे कहेंगे, इसको आप समझिए। मटेरियल यहां पे आता है मटेरियल, मटेरियल देखिए, कोई प्रोडक्ट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है ना, उसके लिए कमोडिटी यूज करता है। जैसे देख लीजिए, कोई रेस्टोरेंट अगर पोटैटो की सब्जी बनाता है तो उसके लिए पोटैटो यूज करता है, उसके लिए तेल यूज करता है, उसके लिए मसाला यूज करता है, उसको मटेरियल कहेंगे। अब शुगर केन इंडस्ट्री शुगर बनाता है, उसके लिए वो क्या क्या यूज करता है, शुगर केन यूज करता है, तो वो मटेरियल हो गया। सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट बनाता है, उसके लिए लाइम स्टोन यूज करता है, कोल यूज करता है, जिप्सन यूज करता है, तो ये सारे मटेरियल्स हो गए। तो मटेरियल कहने का मतलब होता है द कमोडिटी व्हिच इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट इज सेड टू बी द मटेरियल। The commodity which is used by the organization for making the product is said to be the material. It means what is this commodity which is used by the organization, which is used by organization to make good product is said to be said to be material cost।
उसको क्या कहेंगे हम मटेरियल कॉस्ट कहेंगे। अब मटेरियल में भी दो टाइप का मटेरियल होता है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल, एक क्या होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो अब हम डायरेक्ट मटेरियल किसे कहेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, तो यहां पे देखिए डायरेक्ट मटेरियल किसे कहेंगे, प्लीज आप कंसेंट्रेट कीजिए। डायरेक्ट मटेरियल, इसका एक होता है डायरेक्टली एसोसिएटेड द प्रोडक्ट, डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विथ प्रोडक्ट, आइडेंटिफाइड विथ प्रोडक्ट, फिजिकल प्रेजेंटेशन इन प्रोडक्ट, फिजिकल प्रेजेंटेशन इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में फिजिकल प्रेजेंटेशन होता है डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। अब देखिएगा हमें शॉर्ट्स बनानी है, शॉर्ट्स बनाने के लिए क्लॉथ चाहिए, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। पेन बनाने के लिए रिफिल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। किसी रेस्टोरेंट में सब्जी बनाने के लिए पोटैटो चाहिए, टोमेटो चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब इनडायरेक्ट इस सारी की प्रेजेंटेशन होती है। चेयर बनाने के लिए वुड चाहिए, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। हम चेयर बनाएंगे, जैसे मान लिया जाए वन पेयर ऑफ शॉर्ट्स बनाने के लिए 3 मीटर क्लॉथ लगता है, वन पेयर ऑफ शॉर्ट्स बनाने के लिए 3 मीटर लगता है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। एक पेयर बनाने के लिए एक रिफिल चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। एक चेयर बनाने के लिए इतना वुड चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। 1 केजी पोटैटो की सब्जी बनाने के लिए 1 केजी पोटैटो चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। तो व्हिच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द प्रोडक्ट, इतनी प्रोडक्ट के लिए इतना मटेरियल चाहिए, वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। इतनी के लिए इतना, आपको जब प्रोडक्ट से एसोसिएटेड हो, जैसे शॉर्ट्स में क्लॉथ होता है उस फिजिकली प्रेजेंटेशन होता है, जैसे चेयर में वुड होता है फिजिकली प्रेजेंटेशन होता है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, अब आता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल में हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल ऐसी मटेरियल तो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं हो, उसको क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। मटेरियल विच इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट इज सेड टू बी said to be indirect material, indirect material। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए हम चेयर बनाते हैं, 10 चेयर बनाए, समथिंग क्लॉथ कॉटन वुड लग गया, तो दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन 10 चेयर बनाने में कितना आपका फेविकोल लगा, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज अ इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे हम सब्जी बनाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो सब्जी बनाने के लिए आपको पोटैटो चाहिए, दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन उस सब्जी बनाने में कितना तेल लगा, कितना मसाला लगा, कितना नमक लगा, कितना पानी लगा, वो नहीं जानते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो दैट इज अ इनडायरेक्ट मटेरियल विच इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट के बेसिस पे इतना पानी लगेगा, इतना हमको तेल लगेगा, इतना मसाला लगेगा, ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दैट इज जस्ट सेड टू बी इनडायरेक्ट मटेरियल, है ना। फेविक चेयर बनाने के लिए फेविकोल कितना लगेगा, ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं बेटा, इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है, दैट इज सेड टू बी इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अब आ जाता है लेबर।
लेबर किसे कहते हैं? लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। अब सुनिएगा, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंप्लॉई काम करते हैं, उनके लिए रिम्यूनरेशन पेमेंट करते हैं, वर्कर काम करते हैं उनके लिए वेजेस पेमेंट करते हैं। जो पैसा वर्कर को दिया जाता है, जो पैसा इंप्लॉई को दिया जाता है, जो पैसा काम करने वालों को दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? लेबर कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है ना, लिखिएगा, द रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू बी लेबर कॉस्ट, इज सेट टू बी लेबर कॉस्टिंग, उसको क्या कहा जाता है? लेबर कॉस्टिंग कहा जाता है, उसको हम लेबर कॉस्ट कहते हैं, सेट टू बी लेबर कॉस्ट। अब सुनिएगा, जैसे एक एग्जांपल मैं बनाता हूं, मैंने आपको बोला 10 शॉर्ट्स बनानी है, 10 शॉर्ट के लिए हमारे पास प्रोसेस, आपका P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है। ये कटिंग करता है कपड़े का, ये स्विचिंग करता है कपड़े का, और ये क्या करता है? पैकिंग करता है, पैकिंग करता है। 10 शॉर्ट्स के लिए इनको दिया गया ₹1000, इनको दिया गया ₹1000, इनको दिया गया ₹1000। तो एक शॉर्ट पे कितना पड़ा है इनको? 10, 10, 10। तो आपको यहां पे ₹100, ₹100, ₹100। तो एक शॉर्ट के लिए टोटल कॉस्ट आपको कितना पड़ा? टोटल कॉस्ट पड़ा 100 प्लस 100 प्लस 100 = ₹300। ये जो ₹300 है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ एक शॉर्ट का, इसको कहेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कहेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहेंगे। ये एक प्रोसेस है जिसमें कौन सा पर्सन काम करता है? एक कोई आदमी ऐसे काम करता है इनका। यहां पे पर्सन जो है वो कौन काम करता है? ये काम करता है, इनको इतना दिया गया। यहां पे जो पर्सन है इनको ये पैसा दिया, तो 1000 इनको दिया गया, 1000 इनको दिया गया, 1000 इनको दिया गया 10 शॉर्ट्स के लिए, तो ₹300 जो हुआ डायरेक्ट कॉस्ट हुआ। अब बात यह है कि एक आप सुपरवाइजर को भी रखते हैं, सुपरवाइजर, इनको भी आप ₹1000 देते हैं। वो सुपरवाइजर क्या करता है? इनको भी गाइड करता है। वो सुपरवाइजर क्या करता है? इनको भी गाइड करता है। वो सुपरवाइजर आपको, इनको भी गाइड करता है। वो कमनली है, तीनों पे कमन है, तो इनकी जो कॉस्ट हो जाएगी, सुपरवाइजर का जो कॉस्ट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट बने या ना बने, ये आपको देना पड़ता है सुपरवाइजर का। तो ये होता है इनडायरेक्ट लेबर, इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। सुपरवाइजर का जो कॉस्ट होता है इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। जैसे ऑफिस में क्लर्क काम करता है, चाहे प्रोडक्ट बने ना बने, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर काम करते हैं, उनको पैसा तो देना ही है आपको, तो दैट इज इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से आइडेंटिफाइड नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। Who cannot be identified with the directly product, that is said to be indirect labor. उसको क्या कहते हैं बेटा? Indirect labor कहा जाता है। क्लियर है ना? अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक्सपेंसेज हमारे पास आता है, हमारे पास एक्सपेंसेज आता है। अब एक्सपेंसेज में भी क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया आपका, डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया, और यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हो गया और ये हो गया। अब मान लो एक प्रोडक्ट हमारे पास
प्रोडक्ट ए बना, प्रोडक्ट ए। इस प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मशीन हमने क्या किया, हायर किया, मशीन हायर किया। अब मशीन की जो कॉस्ट थी, हायरिंग चार्ज जो थी, रुपीज 500 था। अब बताइए इस प्रोडक्ट बनाने के लिए इस मशीन की कॉस्ट लगी, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए इस मशीन की कॉस्ट लगी, तो ये जो मशीन की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। हायर चार्जेस जो कॉस्ट होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ठीक है ना। अब मान लो इस मशीन को मुझे सेल करनी है, इस मशीन को मुझे सेल करना है, और सेल करने के लिए आप कहां से, कहीं से पेटेंट लिया आपने, और उसके लिए रॉयल्टी पे किया रुपीज 200 रॉयल्टी पे किया, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, अदर देन मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट, इससे टू बी एक्सपेंसेस। मटेरियल लेबर के अलावा जितने भी खर्च होता है वो सारे का सारे क्या होता है, आपका एक्सपेंसेस में आ जाएगा। मटेरियल लेबर के अलावा जितने भी खर्च होता है सारे का सारे एक्सपेंसेस आ जाएगा। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या हो जाता है, देखिएगा, आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी रखा हुआ है, इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अब चाहिए जैसे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, ये सारे आपको क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है आपका कॉस्ट सीट किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि डायरेक्ट मटेरियल किसे कहा जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल किसे कहा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है, डायरेक्ट लेबर किसे कहा जाता है, इनडायरेक्ट लेबर किसे कहा जाता है, हमने इसको सबको पढ़ा। अब आ जाता है कॉस्ट सीट, देखिएगा कॉस्ट सीट क्या होता है, कॉस्ट सीट इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। कॉस्ट सीट देखिएगा, हम ईच प्रोडक्ट का, हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और ये जो कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं बिफोर प्रोडक्शन करते हैं। मान लो ये सारी एजम्पशन के बेसिस पे होता है, बिफोर प्रोडक्शन किया जाता है कॉस्ट आइडेंटिफाई करके, कॉस्ट सीट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग डिटरमाइन ये किया जाता है, उसके लिए कोई भी प्रोडक्ट के लिए मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, एक्सपेंसेस लगता है। जब वो डायरेक्ट लगेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, प्राइम कॉस्ट कहेंगे। जब वो डायरेक्ट कॉस्ट लगेगा उसको क्या कहेंगे हम, प्राइम कॉस्ट कहेंगे, ठीक है ना। तो कॉस्ट आपको डिटरमाइन करने की जो तरीका होता है उसको क्या कहेंगे हम, कॉस्ट शीट कहेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए, जैसे कॉस्ट शीट हमने स्टार्ट किया, कॉस्ट शीट में हमारे पास ये सारे चीजें जो है फंक्शनल स्टडी है। अब यहां पे देखिए आपको क्या लिखा हुआ है कॉस्ट शीट के बाद, और कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। एक डॉक्यूमेंट्स होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है जो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, डिटेल कॉस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में प्रोवाइड करता है। अब बताए कॉस्ट शीट में क्या क्या चीजें होता है, कॉस्ट फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, फंक्शन क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है, डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, अब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया आपसे, मैं अभी डिस्कस करता हूं आपको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में अभी आपको डिस्कस करता हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुनिएगा, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आपको। मैंने कहा था कि आपका दो टाइप का कॉस्ट होता है, एक तो होता है प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट इसमें आपका तीन आ जाता है, डायरेक्ट
मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। एक आपके पास क्या होता है, ओवरहेड होता है, ओवरहेड्स। इसमें आपको तीन टाइप का होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अब आता है कि ओवरहेड। ओवरहेड जो होता है, हमारे पास तीन टाइप की ओवरहेड्स होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, इसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहा जाता है, वर्क कॉस्ट भी कहा जाता है, वर्क एक्सपेंस। उसके बाद क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और तीसरा होता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तीन टाइप की ओवरहेड्स हो जाते हैं। अब क्या होता है कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, व्हाट इज द फैक्ट्री ओवरहेड, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड किसे कहते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, from the stage of procurement of raw material to the stage of, from the stage of procurement of raw material, from the stage of procurement of raw material to the stage of finished goods is said to be factory overhead. Factory overhead, all indirect expenses from the stage of procurement of raw material to the stage of finished goods is said to be factory overhead. Administrative overhead किसे कहा जाता है, all the organ indirect expenses which is used for the maintaining whole administration of the organization, whole administration of the organization is said to be administrative overhead, is said to be administrative overhead. अब आपका दूसरा होता है selling and distribution overhead. What is the selling and distribution overhead? All overheads incurred, all in indirect expenses incurred from the sale of product, from the sale of product to the stage of collection of cash from the customer, to the stage of collection of cash from the customer. This is said to be the selling overhead. कहाँ से आएगा? All indirect expenses from the stage of selling product and cash collection from the customer is said to be selling and distribution overhead. ठीक है? अब हम इसको हम एक-एक करके बताते हैं। यहाँ पे factory overhead, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इस नाम से जानते हैं। इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम द स्टेज ऑफ purchase of raw material to the stage of finished goods is said to be factory overhead from the stage of purchasing raw material to the stage of finished goods. Raw material purchase करने से लेकर finished goods तक जितने भी खर्च होता है उसको क्या कहते हैं, factory overhead कहा जाता है।
इसके मटेरियल के रूप में आ जाएगा, लेबर के रूप में हो जाएगा, एक्सपेंसेस के रूप में हो जाएगा। तो मटेरियल में आपको क्या होगा, लेबर में क्या होगा, जैसे देखिएगा मटेरियल लुब्रिकेंट ऑयल, ऑयल कट्टन जो यूज होता है फैक्ट्री में, ये मटेरियल हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री का। लेबर में क्या हो जाएगा, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर फोरमैन, क्लीनर स्टाफ ऑफ द फैक्ट्री, क्लीनर स्टाफ ऑफ फैक्ट्री, क्लीनर स्टाफ ऑफ फैक्ट्री, ठीक है। अब आपको एक्सपेंसेस में हो जाएगा, एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस में आपको जो होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। अब आपका आ जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये किसे कहते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होता है बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड किसे कहते हैं, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसे मान लीजिए इसके पास एक मटेरियल भी होता है, लेबर भी होता है, एक्सपेंसेस भी होता है। मटेरियल में आपको स्टेशनरी आइटम्स आ जाएगा, स्टेशनरी आइटम्स जितने भी है वो आ जाएगा। लेबर में क्या हो जाएगा, जो आपका क्लर्क हो गया, क्लर्क, ऑफिस स्टाफ, क्लर्क ऑफ अकाउंटेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये सारे आपकी लेबर हो गए। एक्सपेंसेस में आपका क्या हो सकता है, एक्सपेंसेस में प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सपेंसेस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ये सारे आपके एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। अब आ जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या क्या जाएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम द स्टेज ऑफ सेल गुड टू द स्टेज ऑफ, फ्रॉम द स्टेज ऑफ सेल गुड्स टू द स्टेज ऑफ कैश कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर, कैश कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम द स्टेज ऑफ सेल गुड्स टू द सेल गुड्स
टू द स्टेज ऑफ कैश कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर, इसको क्या कहते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहा जाता है। अब इसमें आपको मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, एक्सपेंसेस भी हो सकता है। तो सेलिंग में आपकी मटेरियल क्या होता है, सैंपल गिवन बाय सेल्समैन, सैंपल गिवन बाय सेल्समैन, सेल्समैन। जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है और मेडिसिन देता है, कहता है कि सर ये वाला मेडिसिन बेचिए, इस ये मेडिसिन वन ऑफ द बेस्ट है जो कि इस आपको इलनेस के लिए अच्छा है, इस बीमारी के लिए ठीक है। तो वो सैंपल देते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। उसी तरह आपको बुक सेलर क्या करता है, पब्लिशर हाउसेस क्या करता है, टीचर्स के पास जाता है, बुक देता है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी देता है, तो वो सारे मटेरियल्स हो गए। लेबर में क्या हो गया, सेल्समैन हो जाएगा, सेल्स मैनेजर हो जाएगा। एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी वैन हो गया, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गया, ट्रेवलिंग कॉस्ट हो जाएगा वो सेल्समैन का, कलेक्शन मैन का। तो ये सारे एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो हमने आपको ये सारे पढ़ा। और फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट हम स्टार्ट करते हैं, क्या होता है फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट की फॉर्मेट क्या होता है, अब देखिए हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट लेबर, यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइम कॉस्ट कहेंगे। यहां पे हमने लिख दिया प्राइम कॉस्ट। अब डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकाला जाएगा उसको हम देखेंगे यहां पे, प्राइम कॉस्ट। अब उसको एक एक करके देखेंगे पहले। अब यहां पे क्या करेंगे, एड फैक्ट्री ओवरहेड जो मैंने बताया वो हमारे पास हमने ऐड करेंगे। अब ऐड करने के बाद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट इसको लिखते हैं, वर्क कॉस्ट हो जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट हो जाएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट हो जाएगा। अब क्या होता है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, कोई प्रोडक्ट स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर में बनते बनते रह गया और कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको कहते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। और कोई करंट ईयर में बनते बनते रह गया, नेक्स्ट ईयर आ गया तो उसको कहते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। 100% जब कंप्लीट नहीं होता है, अगर बिगनिंग में होता है उसको ओपनिंग कहते हैं, लास्ट में जो होता है कंप्लीट नहीं होता है उसको क्लोजिंग कहते हैं। तो बिगनिंग वाले को हम इस साल कंप्लीट करेंगे, लास्ट वाले को नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हम एड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हम क्या करते हैं इसको हम लेस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फैक्ट्री कॉस्ट वर्क कॉस्ट आ गया। अब क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट होता है, एक होता है एड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट होता है। जैसे मान लिया जाए हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं,
अब प्रोडक्ट बनाने के बाद ये इसमें क्वालिटी है, ये फीचर को मेंटेन करता है ये, अगर मान लीजिए हमने वो बोलकर कस्टमर को दे दिया और कस्टमर अपने पास जब लेकर गया तो उसको पता चला कि यार क्वालिटी है ही नहीं, तो हमारी तो गुडविल बर्बाद हो जाएगी। तो गुडविल बर्बाद नहीं हो इसीलिए हम एक डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं कि भाई ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को तुम आइडेंटिफाई करो, क्या मैं जो बोल रहा हूं, क्या जो फीचर हम दे रहे हैं उस फीचर पे कंट्रोल हमारे प्रोडक्ट है कि नहीं है, वो सारे फीचर को मेंटेन करता है कि नहीं करता है। जब मेंटेन करता है या नहीं करता, उसको मेंटेन करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया और उसकी जो कॉस्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, एड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है कि ऐसी कॉस्ट जो हम प्रोडक्ट को प्रमोशन के लिए हम अप्लाई करते हैं, भाई इस मार्केट में मेरा प्रोडक्ट काम करना है, हमें दूसरे मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना है, उस प्रोडक्ट को जाकर उस मार्केट को जाकर रिसर्च करो कि वहां पे सेल हो सकता है कि नहीं होता है, वहां के कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट वहां की कस्टमर की है वो हम मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट वहां के लाने लायक है कि नहीं है। हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए रिसर्च करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए रिसर्च करते हैं, उसमें कॉस्ट लगता है कि नहीं लगता है। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आपका एक डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, उसमें जो कॉस्ट लगता है उसको भी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है उसको भी हम क्या करेंगे, हम यहां पे ऐड करेंगे। अब इतने ऐड करने के बाद हम एक लेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट हमने बनाया उस प्रोडक्ट में कुछ आपकी डिफेक्टिव आ गई, अब हम प्रोडक्ट नहीं सेल कर पा रहे तो उसको स्क्रैप में सेल कर देंगे, तो लेस सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, यहां पे सेल ऑफ स्क्रैप, यहां पे बाई प्रोडक्ट भी हो सकता है, बाई प्रोडक्ट भी हो सकता है या मिसलेनियस कोई इनकम भी हो सकता है जो रिलेटेड हो, तो उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है ना, फिर ऐड प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट क्या होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है कि पहले पैक करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसको कहते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। जैसे टूथपेस्ट होता है, अब टूथपेस्ट को क्या किसी कस्टमर को आप सेल कीजिएगा तो सेल करने के बाद क्या होगा, उस तो पेस्ट सिर्फ नहीं ना सेल कीजिएगा, उसको तो डिप बॉक्स जो होता है उसमें सेल कीजिएगा, तो दैट इज द सेट टू बी प्राइमरी पैकिंग। जैसे बिस्कुट होता है, बिस्कुट में भी पहले ही आपको पैक हो जाता है, तो दैट इज द प्राइमरी पैकिंग। तो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट होता है उसको भी ऐड करेंगे, उसको इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्ट को बनाते बनाते इतना खर्च लग गया, प्रोडक्ट को बनाते बनाते इतना खर्च लग गया, तो कोई ऐसा भी होगा पिछले साल का प्रोडक्ट भी होगा, इस साल हमारे लिए ओपनिंग हो जाएगा, और इस साल का भी प्रोडक्ट होगा जो अगले साल चला जाएगा, तो इस साल के लिए क्लोजिंग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम ऐड करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दिस इज सेड टू बी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद सेलिंग ओवरहेड आ जाता है, अब इसमें क्या हो जाता है,
एड, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करते हैं, फिर आपको सेलिंग ओवरहेड को ऐड करते हैं, सेलिंग ओवरहेड को ऐड करते हैं, फिर आपको सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट को भी ऐड करते हैं, सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट को भी ऐड करेंगे, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी ऐड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हम ऐड करेंगे। ये सारे ऐड करने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल हो जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे क्या होता है, सेल्स रिवेन्यू होता है, सेल्स रिवेन्यू, और दोनों के बीच की डिफरेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, सेल करते करते मुझे इतना खर्च लग गया, प्रोडक्ट को सेल करते करते मुझे इतना खर्च लग गया, दैट इज द कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, ये कॉस्ट ऑफ सेल करने के बाद, दिस इज अ फुल फॉर्मेट ऑफ द कॉस्ट शीट। अब हम आपको बुक से बताते हैं, एक एक चीज को बताते हैं। मैंने यहाँ पे आपको मटेरियल के कॉस्ट को बता दिया था, इंप्लॉई लेबर कॉस्ट को बताया, डायरेक्ट एक्सपेंसिस के बारे में डिस्कस किया, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दैट इज द फैक्ट्री ओवरहेड इसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये भी मैंने बताया, सेलिंग ओवरहेड ये भी मैंने डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इसको भी हमने डिस्कस किया, कॉस्ट हेड्स इन द कॉस्ट शीट। अब आपको प्राइम कॉस्ट में आपका आ गया, प्राइम कॉस्ट में एक होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक आपको देखिए, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हमने आपको कहा था कि हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल एड परचेज। सपोज कीजिए पहले से हमारे पास रॉ मटेरियल था 1,00,000 का, हमने 6,00,000 का रॉ मटेरियल परचेज किया, तो यहां पे 7,00,000 का जो रॉ मटेरियल है हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है यूज करने के लिए, तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज 7,00,000 का रॉ मटेरियल हो गया। अब बात यह है कि परचेज कैसे निकालेंगे, तो परचेज निकालने का तरीका मटेरियल कॉस्टिंग में बहुत अच्छे से वैल्यूएशन ऑफ परचेज आपको मटेरियल में आपको डिटेल में स्टडी करनी है, यहां पे भी कुछ पॉइंट्स है जिसको डिस्कस करना है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो 7,00,000 का रॉ मटेरियल हमारे पास है यूज करने के लिए, लेकिन पूरी साल हम मटेरियल यूज करने करते चाहते हैं, कुछ टाइम के बाद मटेरियल बच जाता है, उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हम लेस करते थे, मान लो 2,00,000 की रॉ मटेरियल हमने अभी बाकी है, तो इसको कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहा जाता है। हमने 5,00,000 का रॉ मटेरियल हमने क्या किया, कंज्यूम किया, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम जो पहले मैंने बताया था वो ऐसे निकालेंगे। और भी आपको मैं बताता हूं, प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट, ये प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, ये सारे के बारे में एक एक करके आगे डिस्कस करता जाऊंगा। अब देखिएगा, प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल हम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल निकल जाएगा। उसके बाद हम देखिएगा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल को चैप्टर 2 में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे स्टडी करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल को फ्रेट इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड मटेरियल को लाने में जो खर्च होता है उसको कहते हैं
फ्रेट इनवर्ड्स कहते हैं। इंश्योरेंस, आपको डर लगता है कि मटेरियल आएगा तो मटेरियल भी रास्ते में बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए इंश्योरेंस करते हैं या कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर प्रोक्योरमेंट में लगता है वो लिखते हैं। कोई ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट्स मिलता है उसको माइनस करेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस उसको ऐड करेंगे बशर्ते कि इनपुट क्रेडिट नहीं मिले उसका, जैसे जीएसटी में इनपुट क्रेडिट मिलता है उसको माइनस कर देंगे, उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, जिसमें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता उसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे डायरेक्ट मटेरियल परचेज में मटेरियल वैल्यूएशन में आ जाएगा। डायरेक्ट इम्प्लाई कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा इसके लिए बताई गई है। इट इज द टोटल पेमेंट मेड टू द इम्प्लॉई हु आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वेजेज एंड सैलरी, अलाउंस टू इंसेंटिव, इसको भी लेबर कॉस्टिंग में बहुत अच्छा से करेंगे। पेमेंट ऑफ ओवरहेड, बोनस एक्स ग्रेट, ये इम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, वेलफेयर सच एज प्रोविडेंट फंड्स, अदर बेनिफिट, ये सारे चीजें हम लेबर कॉस्टिंग में ऐड करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके बुक में क्या क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट इम्प्लॉय कॉस्ट, मटेरियल के अलावा, इम्प्लॉई के अलावा, लेबर के अलावा जो भी खर्च होता है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है, एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी सच पावर फ्यूल, ये भी आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। रॉयल्टी पेड, रॉयल्टी पेड कैसे होता है, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप नाम नहीं, उसका प्रोडक्ट का नाम नहीं मालूम है, आप 2000 में सेल करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं सेल हो पा रहा, लेकिन आपने किसी अच्छे ब्रांड का नाम लेकर वो प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और सेम प्रोडक्ट आपको 5000 में सेल हो गया और उसके लिए रॉयल्टी आप ₹1000 देना शुरू कर दिया पर प्रोडक्ट, तो आपके लिए बेटर है ना, तो ये हुआ भी डायरेक्ट एक्सपेंसिव जाता है। हायर चार्जेस का मैंने तो डिस्कस किया था, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई मशीन हायर करते हैं और उसकी जो चार्जेस पेमेंट करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसिव हो गया। फीस पे टेक्निकल असिस्टेंट नो हाउ, कोई टेक्निकल असिस्टेंट नो हाउ लाते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए तो उसकी जो फीस पेमेंट करते हैं वो भी आपको एक्सपेंसेस में आ जाएगा। एमोर्टाइज कॉस्ट मोल्ड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, ये अदर देन दिस डायरेक्ट एक्सपेंसिस में आ जाएगा, वो पढ़ लेना होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, वर्क कॉस्ट, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन फैक्ट्री कॉस्ट, क्वालिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्रेडिट रिकवरी, मिसलेनियस इनकम, पैकिंग प्राइमरी, ये आपका आ जाएगा जो मैंने बताया था। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आ जाएगा वो पहले भी डिस्कस किया था, कंज्यूमर स्टोर्स, स्पेयर्स, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन, लीज ए प्रोडक्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीन, फैक्ट्री बिल्डिंग, इनडायरेक्ट इम्प्लाई कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एक्टिविटीज, ड्रॉइंग, डिजाइनिंग दिस, इंश्योरेंस प्लांट एंड दिस, वर्क इन प्रोग्रेस, एमोर्टाइजेशन ऑफ कॉस्ट दिस, सर्विस डिपार्टमेंट दिस, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड सारे डिस्कस ऑलरेडी किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, पैकिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट शीट का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बताई गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जनरल, सेलिंग ओवरहेड, पैकिंग, सेकेंडरी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। और ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल में क्या क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, कारपोरेट और जनरल मैनेजमेंट, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉई, ये एक बार आप पढ़ेंगे, आप ये सारे आप एक बार देखेंगे, सेलिंग ओवरहेड में क्या क्या आता है, ये सारी आपकी बुक्स में है जो कि आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, मैंने सारे को डिस्कस किया हुआ है, एक बार आप पढ़ेंगे तो कॉस्ट शीट की फॉर्मेट डायरेक्ट इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे सारी चीजें जो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासेज में मैं आपको ये सारी इलस्ट्रेशन है उस इलस्ट्रेशन को डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।